ताजा तरीन वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आपको मिले हर अपडेट सबसे पहले। के कौमी असेंबली का इजलास जारी है। फाइनेंस बिल 2021 मंजूरी के लिए ऐवान में पेश किया गया है। कौमी असेंबली इजलास शुरू हो चुका है। फाइनेंस बिल 2021 मंजूरी के लिए ऐवान में पेश कर दिया गया है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और सैयद खुर्शीद अहमद शाह के ऐवान में पहुंचने पर डेस्क बजाकर उनका इस्तकबाल भी किया गया। कौमी असेंबली इजलास से जारी है, ताजा तरीन सूरत हाल जानेंगे। डॉन न्यूज के नुमाइंदे फहद चौधरी ने हमें ज्वाइन किया। फहद बताएगा क्या डिटेल्स है मजीद। जी देखिए, स्पीकर कौमी असेंबली, डिप्टी स्पीकर कौमी असेंबली कासिम सूरी की सदारत में कौमी असेंबली में इस वक्त फाइनेंस बिल 2021 शौकत तरीन वजीर खजाना ने मंजूरी के लिए पेश कर दिया है। इस फाइनेंस बिल की मंजूरी के लिए जिन अरकान के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए गए थे और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी भी ऐवान में मौजूद है और बहुत बड़ी तादाद में आज कौमी असेंबली के अरकान इस फाइनेंस बिल की मंजूरी के लिए मौजूद है। वजीर आजम इमरान खान ताहाल ऐवान में नहीं पहुंचे और फाइनेंस बिल की शिकवार मंजूरी का अमल जो है वो अब से कुछ देर बाद शुरू हो जाएगा। इस वक्त पीपल्स पार्टी के रहनुमा नवीद कमर फाइनेंस बिल पर अपने ख्यालात का इजहार कर रहे हैं। कई हुकूमती अरकान ने भी जाकर खुर्शीद शाह को जो है वो वेलकम किया ऐवान में। तवील अरसे बाद वो प्रोडक्शन ऑर्डर पर आज कौमी असेंबली के इजलास में शिरकत कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया फहद चौधरी, हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। आपको बता रहे हैं कौमी असेंबली इजलास शुरू हो चुका है और इस इजलास के दौरान वजीर खजाना शौकत तरीन ने फाइनेंस बिल 2021 मंजूरी के लिए ऐवान में पेश कर दिया है, जबकि इसके साथ साथ चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और सैयद खुर्शीद अहमद शाह जब ऐवान पहुंचे तो अपोजिशन जमातों की डेस्क की जानिब से डेस्क बजाकर इस्तकबाल किया गया।